कहाँ जा रहे हैं काना? फेरो, और शीघ्र गति से भागो मित्रों, भागो। और पंख वाले, भले ही तूने मेरे शैतानी हाथियों को अपने वश में कर लिया हो, तूने मुझे ललकारा है, मुझे विक्रासुर को। अब तुम सब मेरे इस मायावी आग को कभी बुझा नहीं पाओगे। तू मारेगा मुझे। पंख वाले, अब मैं तुझे इतनी क्रूर मौत दूंगा कि तेरी साथ उससे भी कांपने लगेगी। ताऊ, सुदामा, अभिराम, चलो मेरे साथ, शीघ्र अति शीघ्र। तू जानता नहीं, तू संसार के सबसे शक्तिशाली और पाताल के राजा विक्रासुर के साथ माया का खेल खेल रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ना ये क्या, देवी गुफा तो बिल्कुल खाली है। लगता है असुर ने पहले ही देवी खजाना चुरा लिया। वो दुष्ट हमसे ज्यादा चतुर निकला काना। जो योजना तुमने बाद में सोची थी ना, वो उसने पहले से ही सोच के रखी थी। नहीं दाऊ, यदि उसने खजाना चुरा लिया होता तो कब का पाताल लोग भाग चुका होता। और पंख वाले, अब तू तो क्या, कोई भी मुझे उन अस्त्र शस्त्र को ले जाने से नहीं रोक सकता। अब तक तो मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। Ha 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 ha
अब ये मोर पंख वाला तो गया। अब तुम सबकी बारी है। मेरे मार्ग में आने वाला जीवित नहीं बचता। काना, काना हमारी सहायता करो, काना, काना उठो। कितना समझाया था कि अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप जाओ, परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सावधान विक्टर सर। असुर की बात ना मानने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। विक्टर सिर पर प्रहार करने से पहले आप गुरु भाइयों को संभालिए, उन सब की रक्षा कीजिए। देख लिया मोरपंख वाले, ये सब तो मुझसे डर के अपनी माँ के आंचल के पीछे छिपने भाग गए। काना, मैंने तुम्हें इतना विवश पहले कभी नहीं देखा। तुम चाहो तो इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, तोड़ सकते हो इसे, पर तुम ऐसा करोगे नहीं। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ही इस बंधन को तोड़ देता हूँ। नहीं दाऊ, ये चढ़ावत अस्त्र है, भैरवनाथ का अस्त्र है। विक्टर ने इसे तपस्या से पाया होगा, हम इसे तोड़ के भैरवनाथ का अपमान नहीं कर सकते। पर काना, इस वरदान का लाभ लेकर विक्टासुर सारा का सारा दैवीय खजाना लूटकर भाग जाएगा। कोई तो उपाय होगा काना की सहायता करने का। विक्टासुर को दैवीय खजाने और अस्त्र शस्त्र को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता।
विक्टर सर, अब तुम्हें याद रहेगा जो खड्डा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें तुम खुद ही गिरोगे। जो आग तुमने लगाई थी हमें तपाने हमें जलाने के लिए, ये आग तुम्हें तपाएगी और जला के राख कर देगी। तू तो भस्मी हो जाना चाहिए, तुम सारे संसार के लिए संकट हो। पाताल से आया था चोरी करने, चोरों का राजा। हम जाएंगे खजाने की रक्षा करने, तुम यहीं पे फंसे रहो। तू फिर से मेरे जान में फंस गया मोरपंख वाले। ठहरो विक्टर सर,
अब तुझे तेरे अंत से कोई नहीं बचा सकता। चक्रधारी मतलब तुम कृष्ण मोरपंख वाले जिसने महाराज कंस को मारा था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे मुझसे भूल हो गई। और फिर मैं तुम्हारा शत्रु भी नहीं। अच्छा हाँ देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इसमें हम दोनों का ही लाभ होगा। वो कैसे विक्टर सर? मुझे पता है खजाना कहाँ है, हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है तो बताओ बताओ खजाना है कहाँ? वो गुफा में ही है। हाँ मैं अकेला उसे हिला भी नहीं पाया था, मैंने उसे अपनी मायावी शक्तियों से ढक दिया है। आधा तो क्या, मैं तुझे उस खजाने का एक कण भी नहीं छुड़ा दूंगा। तेरा अंत निश्चित है विक्टाशोर। नहीं रुक जाओ कृष्ण, दया करो कृष्ण, दया करो, मुझे जीवन दान दे दो कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे प्राण बच दो कृष्ण। यदि तू मुझे वचन देता है कि तू पाताल लोक से कभी बाहर नहीं निकलेगा तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। हाँ, हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं पाताल लोक से कभी बाहर नहीं आऊंगा, मैं वचन देता हूँ कृष्ण, मुझे माफ कर दो कृष्ण। परंतु याद रहे, यदि तूने अपना सर वहां से बाहर निकाला तो मेरी वैष्णवी शक्ति तेरा वध कर देगी और मेरा चक्र तेरा सर बाहर निकलने की प्रतीक्षा में रहेगा। नहीं नहीं, मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा। अब इस गुफा में और इस दिव्य खजाने में मेरी वैष्णवी शक्ति वास करेगी। अब केवल यहां तक त्रिदेव और त्रिदेवियां ही पहुंचने में सफल होगी। अब ये दिव्य खजाना सदा सदा के लिए मेरी वैष्णवी शक्ति में सुरक्षित है। श्री कृष्ण की जय, 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 श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव। यह अभियान केवल एक पृथ्वीवासी पुरुष ही संपन्न कर सकता था, और आप पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हो देवकी नंदन। आपने सूर्य उदय से पूर्व ही देवीय खजाने को सुरक्षित कर दिया। यह मेरा सौभाग्य था महादेव। इस महान कार्य को संपन्न करने के लिए आप सभी मेरे प्रणाम के अधिकारी हैं।